तो कहते हैं कि हाँ जीव भगवान में मिल जाता है, बूंद है वो समुद्र में समा गए, ज्योति में ज्योति विलीन हो गई, ऐसे ऐसे कहते हैं। नदी है, नदी जाकर समुद्र में विलीन हो, जीव नदी है क्या, विलीन हो जाएगा। कोई आज तक विलीन हुआ है इस संसार में, आप इतिहास पढ़े हैं, वर्तमान में भी अरबों मनुष्य हैं। मान लीजिए कोई पिता है तो कोई बेटा कभी कहा कि पिताजी मैं आपसे अलग रह करके बड़ा दुखी हूँ, मैं चाहता हूँ आप में ढूक जाऊँ, आप और हम एक हो जाए। बाप से अगर ऐसा कहे तो सोचेगा ये पागल हो गया, तो ऐसा मत करो, तुम मेरे पास रहो, मेरी सेवा करो, मुझसे प्रेम करो, है ना। कोई बाप चाहेगा कि बेटा हम में ढूक जाए, प्रवेश कर जाए। कोई पति चाहेगा कि पत्नी हमारे भीतर विलीन हो जाए, उसकी सत्ता ही न रहे। कोई मित्र ऐसा चाहेगा, ऐसा कोई चाहे भी तो हो नहीं सकता है। चाह होना तो जीव के हाथ में, चाहेगा कि हम भगवान में समा जाए, लेकिन नहीं, नहीं समा सकता है। भगवान के साथ हो सकता है, उनका सखा बन सकता है, यहाँ तक कि उनसे बड़ा बन जाएगा, उनका बाप बन सकता है, लेकिन भगवान नहीं बन सकता। इतना सिद्धांत है। अगर कोई कृष्ण को अपना पुत्र माने तो कृष्ण पुत्र बन जाते हैं, तैयार हैं, जे जथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथे भजामि। लेकिन कोई कृष्ण बनना चाहे ऐसा हो ही नहीं सकता। कृष्ण से बड़ा बन सकता है, कृष्ण से छोटा तो है ही, बड़ा बनना चाहे, बाप बनना चाहे, चाचा बनना चाहे, कुछ बन सकता है। भगवान ऐसा व्यवहार करते हैं। यद्यपि वे किसी भी स्थिति में सबसे महान हैं, लेकिन हमारा पुत्र बन सकते हैं, सखा बन सकते हैं प्रेम देख कर। परंतु कोई ऐसा सोचे कि मैं भी अब कृष्ण में मिल जाऊं, अलग मेरी सत्ता ना रहे, तो ऐसा सोचना भी वास्तव में एक नंबर की मूर्खता है। हम भगवान में मिल जाए, ये हो जाए, कोई नहीं मिल सकता, ना आज तक कोई मिला है। अगर मान लीजिए कोई मिले, यदि मान लिया जाए, सपोज कोई मिला, तो उसको नाफा क्या हुआ, उसकी तो सत्ता गई, क्योंकि भगवान उसमें नहीं मिलेंगे, वो भगवान में मिलेगा, है कि नहीं। जैसे कोई नदी है तो नदी में समुद्र नहीं मिलेगा, बिंदु में समुद्र नहीं मिलेगा, बिंदु समुद्र में मिलेगा और अपनी सत्ता गंवा दिया, खत्म। तो अपने को खत्म कौन करना चाहता है, ऐसा सोचना। और समाज में सब बातें प्रचलित है, समुद्र में बिंदु समा गई, नदी जाकर समुद्र में मिल गई, ये हो गया, भगवान में हम मिल जाएंगे, हम ही भगवान हो जाएंगे, ये हो जाए। तब माया तब दुर्दशा करती है, भगवान बनना चाहते हो तब अनेक जोनियों में पटकती है, लात मारती है, बनो भगवान। प्रभुपाद जी तो कहते हैं कि अगर भगवान की सेवा नहीं करोगे, गॉड की सेवा नहीं करोगे, तो माया डॉग की सेवा कराएगी, उल्टा उल्टा। कितने पढ़े लिखे लोग अपने को बुद्धिमान समझने वाले, वे कुत्ता दास हैं, कुत्ता की सेवा करते हैं। अपने घर में कुकुर रखे हैं, कुत्ता रखे हैं, उसकी सेवा करते हैं, उसको साबुन लगाते हैं, उसको टोपी पहनाते हैं और सवेरे फ्रेश हवा में लेकर घूमने जाते हैं। कभी बाप की सेवा नहीं किए होंगे वैसे, और कुत्ता की सेवा करते हैं, ले जाते हैं जंजीर में, कभी कभी पकड़ करके ले जाते हैं, और जाते जाते जंजीर टाइट होती है, कुत्ता रुक जाता है, तो ये नौकर साहब जो जंजीर पकड़े हैं तो उसको टट्टी कराते हैं। अब बताइए, कुत्ता टट्टी कर रहा है तो कुत्ता मालिक हुआ कि उसको पकड़ करके टट्टी करा रहा है वो मालिक है, बताइए कौन मालिक है। वो सीधा जंजीर खींच कर रुकता है, कहता है रुको अभी हमको टॉयलेट हो जाने दो, तो करा रहा है। और इतना ही नहीं,
उसके विष्ठा को, मल को वह प्लास्टिक के बर्तन में लेकर के घूमता है। अमेरिका में मैं देखा, अपने आँख से देखा, अगर कुत्ते का मल छोड़ दिया तो कुत्ता वाला फाइन चुकाएगा, फाइन लग जाएगा, किसका कुत्ता ये सब काम किया। तो कुत्ता को तो फाइन नहीं लगेगा, लेकिन कुत्ता दास को फाइन लगेगा। बताइए, कुत्ते का गूह ढोना सवेरे सवेरे, क्या माया के द्वारा सजा है कि नहीं? माया सजा दे रही है कि नहीं? इस तरह की फजीहत माया करती है। सोचते हम भगवान हैं, हम बड़े हैं, ये है। इसलिए गॉड की सेवा करनी चाहिए, डॉग की नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कुत्ते से सब प्यार नहीं करना चाहिए, भाई वफादार जीव है, खिलाना पिलाना सब है, लेकिन भगवान की सेवा करनी चाहिए। सवेरे जग कर मंदिर में आना चाहिए, भगवान को नमस्कार करें, भगवान को देखें, भगवान का नाम बोले, कुछ एक माला दो माला चार माला जप करें, भगवान को प्रणाम करें। ये मनोवाग दृष्टि